भारत के सैन्य क्षेत्र में मचा दिया तहलका। भारत की तैयारी देख भौचक्की रह गई दुनिया। भारत की सिलेक्टेड 5 हथियारों पर टूट पड़ी दुनिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के उन 5 सिलेक्टेड हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए मेक इन इंडिया के तहत 5 ऐसे हथियार बना लिए हैं जिनका प्रोजेक्ट फुली भारतीय कंपनियों के हाथों में है। वहीं मोदी सरकार का प्लान ये भी है कि इन हथियारों को तुरंत ही दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। नंबर 1, ड्रोन किल सिस्टम। 5 हथियारों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ड्रोन किल सिस्टम। यह एंटी ड्रोन सिस्टम सॉफ्ट किल के जरिए रोग ड्रोन को न्यूट्रलाइज करता है। फिलहाल BSF और दूसरे सुरक्षा बल सीमा पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को किसी गन के जरिए नीचे गिराते हैं। DRDO ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है वो लेजर तकनीक पर आधारित है। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम 5 किलो तक के रोग ड्रोन को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है। इसके अलावा ये कॉम्बैक्ट ड्रोन यानी अटैक ड्रोन को भी अपने जाल में आसानी से फंसा लेता है। इस ड्रोन डिफेंडर में 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जाल लगा हुआ है। ऐसे में ये दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को भी आसानी से मार गिराने में कारगर है। ड्रोन डिफेंडर बेहद ही किफायती एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसमें 70% स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा नेट में फंसाकर दुश्मन के ड्रोन को आराम से नीचे ला जाता है। ऐसे में इसका डाटा नष्ट नहीं होता है जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद अहम है। नंबर 2, हाई फ्रिक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो। युद्ध के मैदान से रियल टाइम जानकारी कमांडर्स को देने के मकसद से इंटरनेट से जुड़े रेडियो सेट के लिए भारतीय सेना ने 14 कंपनियों को सेलेक्ट किया है। भारतीय सेना को ऐसे 300 हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट की जरूरत है। ये लाइट वेट रेडियो सेट लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हैं। डेटा कैपेबिलिटी और बैंडविड्थ से लैस होने के चलते GIS के जरिए इन रेडियो सेट से मैप नेविगेशन हो सकता है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा लगी होगी ताकि दुश्मन सेना की कम्युनिकेशन में सेंधमारी कर संवेदनशील बातचीत और जानकारी को आराम से सुन सके। भारतीय सेना फिलहाल पुराने रेडियो सेट का इस्तेमाल करती है जिनमें डेटा हैंडलिंग क्षमता बेहद ही कम होती है। नंबर 3, इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर। सैनिकों को फायरिंग की प्रैक्टिस से लेकर रण क्षेत्र के अलग अलग सिनेरियो में ट्रेनिंग के लिए सेना की सिमुलेटर की जरूरत होती है। भारतीय सेना को कम से कम 125 ऐसे सिमुलेटर की जरूरत है। इन्हें बनाने के लिए 4 MSME और स्टार्टअप को सेलेक्ट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में कम से कम 300 ऐसे सामानों से विदेश से आयात को प्रतिबंधित किया है जो भारत में ही बन सकते हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर को स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नंबर 4, मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम यानी लॉयटरिंग म्यूनिशन। हाल ही में भारत को इस तरह के हथियारों को तैयार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत के स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन ने पिछले दिनों पोखरण में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को तबाह किया था। यह कामिकाजी ड्रोन विमान चुनौतीपूर्ण इलाकों और ऊंचाई वाले जोन में भी काम कर सकता है। इस स्वचालित सिस्टम को भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। यह किलर ड्रोन अपने साथ 23 किलोग्राम विस्फोटक लेकर आ सकता है। इसने परीक्षण के दौरान ड्रोन विमान ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। यह ड्रोन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में भी बहुत कारगर पाया गया है। नंबर 5, 155 mm टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन। दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए सेना ने 6 एजेंसियों को गाइडेड म्यूनिशन के लिए ऑर्डर दिया है। भारतीय सेना इस तरह के म्यूनिशन तैयार होने के बाद कम से कम 2000 TGM राउंड खरीदेगी। ये म्यूनिशन यानी बम तोप से भी फायर हो सकते हैं।